रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने हिमाचल को दी दो ट्रेनों की सौगात। दौलतपुर चौक से दिल्ली के लिए हिमाचल एक्सप्रेस और नंगल डैम के लिए पैसेंजर शुरू। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेगी प्रदेश की जयराम सरकार। अफसरों को यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर पर्यटन को प्रमोट करने के आदेश। कुलदीप राठौर की ताजपोशी के साथ चुनावी बिगुल फूकेगी कांग्रेस। 17 जनवरी को शिमला में होगा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का अभिनंदन कार्यक्रम। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए लक्ष्य तय। प्रदेश के 13,060 युवाओं को दिया जाएगा योजना के तहत प्रशिक्षण। सीबीआई को गुड़िया केस में उचित कार्यवाही के आदेश। पीएमओ की ओर से डीओपीटी को दिए गए थे आदेश। मदद सेवा ट्रस्ट ने लिखा था पत्र। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 19 जनवरी को शिमला में। पीटीए शिक्षकों के हक में सभी विकल्पों पर हो सकता है विचार। इंस्पायर अवार्ड्स योजना के तहत दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में शिमला के 3 बच्चे दिखाएंगे अपना मॉडल। छात्रों का प्रदर्शन अच्छा रहा तो जापान जाने का भी मिलेगा मौका। उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर का दावा, उद्योगपतियों को तय समय पर मिलेगी एनओसी। सरकार निवेशकों को रिझाने के लिए उठाएगी हर संभव कदम। कानून को लेकर नियम और प्रक्रियाओं को भी किया जाएगा सरल। 6 मार्च से शुरू होने वाली बोर्ड की परीक्षाओं के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड की तैयारियां जोरों पर। 1,970 केंद्रों में सीसीटीवी कैमरों की नजर में होगी वार्षिक परीक्षाएं। विश्व धरोहर कालका शिमला ट्रैक पर आज से नहीं दौड़ेगी हॉलीडे स्पेशल। 26 दिन में विशेष ट्रेन से 10,000 लोगों ने निहारी हिमाचल की वादियां। हिमाचल सरकार ने नीति आयोग के निर्देश पर पोषक तत्वों वाला राशन देने का लिया फैसला। डिपुओं में मिलेगा कैल्शियम आयरन वाला चावल। प्रदेश को ठंड से अभी नहीं मिलेगी निजात। मौसम विभाग ने जताई ऊपरी क्षेत्रों में आज बर्फबारी के साथ बारिश की संभावना।